भगवान को सोना चढ़ाना सरल है, चांदी चढ़ाना सरल है, पैसा चढ़ाना सरल है, तुलसी लड्डू मेवा मिष्ठान चढ़ाना सरल है, अपने नेत्रों के प्रेम के जल को चढ़ाना बहुत कठिन है मेरी माँ। लाखों में कोई होगा जो भगवान के लिए रो रहा होगा, वरना पैसे तो सब भगवान की तरफ फेंक रहे हैं। भगवान को फूल हार सब चढ़ा रहे हैं, फूल हार मेवा मिष्ठान चढ़ाना सरल नहीं है, नेत्रों के ये सब सरल है, नेत्रों का जल भगवान के लिए रोना सरल नहीं, ये कठिन काम है। ये कठिन काम मीरा ने किया, भगवान के लिए रोई। ये कठिन काम किसने किया? हाँ, आजकल कहाँ ये काम लोग करते हैं, गंगा जल लोटा में भर भर के चढ़ाएंगे और चढ़ाने में किसी का धक्का लग गए तो वहीं शंकर जी के सामने लड़ेगी, क्यों अंधी हो गई है, देख के नहीं चलती, धक्का मार रही है, ये जल चढ़ाने गई है कि लड़ने गई है। इसलिए ये फॉर्मेलिटी आप लोगों से अच्छा आती है करना, भगवान फॉर्मेलिटी औपचारिकता से मिलते तो आपके बाप दादे मर गए औपचारिकता कर करके, एक को ना मिले भगवान इस फॉर्मेलिटी से नहीं मिलेंगे मेरी माँ। भगवान से प्रेम करना सीखिए, इतना प्रेम कि अपने आप उनके प्रेम में उनकी याद में आप जिससे प्यार करते हैं, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हो, पति हो, आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके लिए आंसू आते हैं कि नहीं उनकी याद में? बोलो हाँ, बोलो हाँ, आते हैं या नहीं आते हैं? नहीं। जब इंसानों की याद में तुम्हें आंसू आते हैं तो भगवान की याद में क्यों नहीं आते? इसका मतलब तो यह हुआ कि इंसानों से प्रेम है, भगवान से नहीं। केवल वो भगवान को नारियल ले लो भगवान, सोना चांदी ले लो भगवान, ये सब दे देंगे भगवान को, प्रेम करेंगे अपनों से, इन संसार के तुच्छ प्राणी उन लोगों से जो आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे, एक दिन सब मर जाएंगे, उनसे आप प्यार करते हैं मरने वाली दुनिया से, भगवान से प्यार क्यों नहीं करते? संसार को सागर कहा गया, संसार सागर, संसार की उपमा किससे दी गई? जोर से, सागर समुद्र। क्यों? समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा, पर देखने में ऐसा लगता है एकदम निर्मल, लगता पी जाए सारा, लेकिन क्या करें, एक बूंद नहीं पी सकते आप। देखने में अच्छा है, पीने में अच्छा नहीं है। उसी प्रकार संसार देखने में अच्छा है, जीने में अच्छा नहीं है। ये पीने में अच्छा नहीं है, ये जीने में अच्छा नहीं है। जीना सिर्फ तेरे लिए, गोविंद के लिए कोई जिए तो आनंद है। हाँ, मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी। सबका होकर देख लो, भगवान के होने में बड़ा मजा है, इसलिए देर ना करो। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, इसलिए अभी भी देर ना हो जाए, इसलिए गोविंद की शरण में आओ और भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो, और भगवान के लिए कभी रोया करो, भगवान के लिए कभी, हाँ, भगवान को जरूरत ही नहीं है मेवा मिष्ठान की, काजू बादाम तुम खाओ, लड्डू पेड़ा तुम खाओ, भगवान से केवल प्रेम और आंसू चढ़ाओ, भगवान तो इसमें खुश है। भगवान को क्या कहा गया है? माँ त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माँ बाप बच्चों के प्रेम में ही खुश रहते हैं, हाँ या ना? माँ बाप लड्डू पेड़ा मिठाई हीरा मोती सोना चांदी के भूखे नहीं होते, वो बच्चों के प्रेम के भूखे होते हैं। उसी तरह भगवान हम सबके प्रेम के भूखे हैं, लड्डू मेड़ा पेड़ा मिठाई तुम खाओ, भगवान के लिए क्या बहाएंगे?
आंसू, इसलिए भगवान को कभी रो करके पुकारो। प्रेम वही है, जहां आंसू है वही तो प्रेम है। आंसू नहीं प्रेम नहीं है, प्रेम